सब्सक्राइब हरियाणा बीट्स एंड प्रेस द बेल आइकन टू नेवर मिस एन अपडेट। देखें हरियाणवी गानों के साथ साथ अपने पसंदीदा शोज। तो चलिए गाइस बढ़ते हैं आज की दूसरी स्टोरी की तरफ एंड आई विश कि आपको जो कहानियां हैं वो पसंद आ रही होंगी। और जो दूसरी कहानी है वो मुझे भेजी है डॉक्टर मीरा कौशिक ने। पेशे से लेक्चरर हैं, एक कॉलेज में पढ़ाती हैं, डॉक्टरेट है। तो चलिए शुरू करते हैं ये खूबसूरत सी कहानी। जी हाँ, मीरा जी के बेटे की शादी होने वाली है। नाम उसका नूर है। थोड़ा लड़कीनुमा नाम है लेकिन क्या करें, जब वो छोटा था तो कहते हैं कि उसके चेहरे पे बहुत नूर था, इसलिए उसका नाम नूर रख दिया। कितना सामान की लिस्ट बनाकर दे दी है लोगों ने, है ना। आई कांट बिलीव कि तेरी शादी हो रही है, मीरा ने नूर को कहा। मीरा का घर बहुत खूबसूरत लग रहा था, स्पेशली घर के बाहर बड़ा बड़ा लिखा हुआ डॉक्टर मीरा कौशिक। जी हाँ, यही नाम था उनका। अकेली रहती थी क्योंकि हस्बैंड कुछ साल पहले उसे छोड़ चुके थे। कभी कभी होता है ना, एक माँ के लिए एक बच्चे को पालना इतना मुश्किल होता है कि हम समझ नहीं सकते, लेकिन मीरा ने सारी जिंदगी अपने बेटे के नाम कर दी। बड़ी खुशी से उसने अपने बेटे को पढ़ाया लिखाया बड़ा किया और आज उसकी शादी हो रही है। एक माँ के लिए ये सबसे सुकून वाला पल था। हालांकि नूर माँ की गोद में था और वो उसे बार बार कह रही थी कि मुझे बिलीव नहीं हो रहा कि तुम्हारी शादी हो रही है, आई कांट बिलीव नूर, और वो भी एक ऐसी लड़की से जिसे तुम बेहद प्यार करते हो, रागिनी, रागिनी नाम है उसका। हालांकि रागिनी बहुत इंटेलिजेंट है और मीरा के साथ उसकी बड़ी अच्छी दोस्ती है। दोनों सास बहू कम, माँ बेटी या यूँ कहूँ सहेलियाँ ज़्यादा लगती हैं। आपस में दोनों का बहुत प्यार है और नूर से ज़्यादा तो वो डेटिंग इनके साथ करती है। कहीं भी घूमना हो, शॉपिंग करनी हो या मूवीज़ देखनी हो तो नूर के पास टाइम कहाँ होता है, तो चलो अपनी सास को ले चलते हैं। यही बस काम था उसका। माँ बेटा दोनों बैठे थे कि मीरा के फ़ोन पर एक बेल बजी। बेल बजते ही उसने फ़ोन उठाया और आवाज़ थी उसके हस्बैंड की, या यूँ कहूँ कि उसके एक्स हस्बैंड की। उसने पूछा कि तुम्हें किसी चीज़ की ज़रूरत है तो बताना। तभी नूर ने अपनी माँ से फ़ोन खींचा और बोला कि हमें पापा किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं, वी आर हैप्पी विदाउट यू, जब हमें आपकी ज़रूरत थी आप हमारे साथ नहीं थे और अब मुझे लगता है कि हम अपनी ज़िंदगी को बेहतर जी रहे हैं और मेरी माँ ने मुझे बहुत अच्छे से पाला है, ये कहकर उसने फ़ोन कट दिया। हालांकि मीरा नहीं चाहती थी कि नूर अपने पापा से इस तरह से बात करे, वो चाहती थी कि चलो ज़िंदगी में जो हो गया उसे भूल जाए और वो अपने पापा से एटलीस्ट तमीज़ से इज्जत से बात करे। लेकिन नूर ने वो सब देखा था, कैसे उसकी माँ उसको छोटे होते हुए इतनी मेहनत करती थी और शाम को एक्स्ट्रा क्लासेस भी लगाती थी बच्चों की, बहुत मेहनत करती थी और कभी कभी वो अपने बेटे के साथ जगती जगती सो जाती थी और कभी कभी वो अपने बेटे के साथ सारी रात जागते जागते निकाल देती थी। नूर उन बातों को नहीं भूल पाया था। उसे हमेशा लगता था कि पापा ने मम्मा के साथ बुरा किया है और मुझे उनके साथ बात नहीं करनी है। खैर, अब कुछ ही दिनों में उसकी शादी थी तो सब घर में अच्छा अच्छा सा माहौल था, लेकिन कहीं ना कहीं मीरा को ये लगता था कि ज़िंदगी जो है वो इन पायदानों पर नहीं टिकी हुई, वो हमें हमेशा कुछ ना कुछ देती है तो लेती भी रहती है। उसे डर था कि कहीं मेरे बेटे की शादी के बाद कुछ बिगड़ ना जाए, इसलिए वो हर मुमकिन कोशिश कर रही थी। वो कोशिश कर रही थी कि वो एक अच्छी सास बने, वो कोशिश कर रही थी कि वो एक अच्छी समधन बने, वो हर चीज़ उनके मुताबिक कर रही थी और रागिनी भी अपनी सास का भरपूर साथ दे रही थी। शॉपिंग से लेकर हर चीज़ वो एक दूसरे को बोल बोल कर करते थे। और कई बार तो ऐसा था कि नूर घर पे था और वो दोनों सास बेटी शॉपिंग पर निकल जाते थे। नूर के लिए ये दिन बड़ा अच्छे थे। नूर को लगता था कि उसकी माँ और उसकी लवर परफेक्ट कॉम्बिनेशन है। वो भी नहीं चाहता था कि इस रिश्ते को किसी की भी नज़र लगे। खैर, दिन निकले जा रहे थे और आज हर रोज़ की तरह वो दोनों फिर बैठे थे कि उसके फ़ोन पर एक मैसेज आता है, मतलब मीरा के फ़ोन पर एक मैसेज आता है, तुम्हें किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो मुझे बताना, नीचे कबीर लिखा हुआ था। कबीर
मीरा के साथ ही कॉलेज में पढ़ाते हैं और आपस में उनकी अच्छी दोस्ती है। दोनों कभी कभी घूमने भी इकट्ठे जाते हैं, लंच भी इकट्ठा करते हैं। हालांकि ये बात नूर को नहीं बताती। नूर और वो जिंदगी में बहुत कम बार मिले थे। कबीर एक अच्छा इंसान था और कहीं ना कहीं मीरा को लगता था कि कबीर उसके लिए कुछ अच्छा सोचता है। और कबीर उन लोगों में से नहीं है जो बाकी लोगों की तरह आपका फायदा उठाते हैं। उसका ये मैसेज आना उसके लिए सुकून की बात थी। कभी कभी पता है क्या होता है, कोई आपके साथ हो या ना हो, कोई आपके पास हो या ना हो, लेकिन उसका एक अदब मैसेज आ जाना आपका दिन बना देता है। आपको लगता है कि हाँ, कोई यहाँ है जो मेरे साथ खड़ा है। नूर की शादी हो जाती है और वो बहुत अच्छा सा टाइम स्पेंड करते हैं। हालांकि वो जाने ही वाला था हनीमून पे, लेकिन कोविड के कारण उसे घर में रहना पड़ता है। मीरा की कभी कभी कबीर से बात हो जाती है, क्योंकि कोविड का टाइम था इसलिए शायद आपस में निकलना मुश्किल था। लेकिन मीरा को ये एहसास हो रहा था कि वो शायद कबीर को लाइक करने लगी है या उसे कहीं ना कहीं एक साथ की ज़रूरत है। हालांकि उसे ये भी लगता था कि अब मेरा बेटा बहुत बड़ा हो चुका है और मुझे अपने बेटे के साथ ही रहना है। लेकिन वो कहते हैं ना कि ज़िंदगी में एक दोस्त जो होता है वो बहुत ज़रूरी होता है। वो चाहे आप किसी भी ज़िंदगी में जी रहे हों, आपके प्लान्स हों, आप ज़िंदगी में खट्टे मीठे दौर से निकल रहे हों, लेकिन ये बहुत अच्छी चीज़ होती है। इसीलिए तो कहते हैं कि दोस्ती के बिना ज़िंदगी बिल्कुल अधूरी है। शादी के बाद सब कुछ अच्छा चल रहा होता है, माँ बेटे में भी अच्छी बन रही होती है, बहू में भी अच्छी बन रही होती है, सब कुछ अच्छा चल रहा होता है कि एक दिन सब लोग बैठे होते हैं और मीरा अपने बेटे को कहती है कि मुझे आप लोगों से कुछ बात करनी है। तो उसकी बहू कहती है कि बोलिए ना मम्मा, व्हाट यू वांट टू से, आपको क्या चाहिए मुझे बताओ, मैं अभी ला कर देती हूँ। वो कहती नहीं बेटा, कुछ लाने की चीज़ नहीं है, बट आई थिंक आई एम अ बिट कनेक्टेड विद कबीर, मुझे शायद कबीर से अटैचमेंट हो गई है। कबीर, व्हाट द हेल, ये एक बेटे के वर्ड थे नूर के। नूर अपनी माँ पर चिल्ला पड़ा। वो कहता, अगर माम आपको ऐसा ही कोई रिश्ता रखना था तो आप पापा के साथ रख सकते थे, पापा आपसे प्यार करते थे, वो आपको बार बार बुलाते भी तो थे। नूर की बात सुनकर उसकी माँ का दिल पसीस गया। वो आज कुछ नहीं बोली, अपने कमरे में चली गई और जाके उसने सोचा कि किस तरह से रिश्ते अलग हो जाते हैं, किस तरह से बेटा आज मेरे खिलाफ हो गया क्योंकि मैंने सिर्फ ये कह दिया कि मुझे लगता है कि मैं शायद किसी और के साथ कनेक्टेड हूँ, या मैं ये कहती हूँ कि मुझे किसी और के साथ अच्छा लगता है रहना, बात करना, लेकिन एक बेटे के लिए बहुत बड़ी बात होती है। मीरा ने सोच लिया कि इस रिश्ते को यहीं विराम देना चाहिए। उसने कॉलेज की ट्रांसफ़र के लिए लेटर डाल दिया और साथ ही साथ उसने अब कबीर के मैसेजेस का जवाब देना भी बंद कर दिया। अब वो उनसे ना ज़्यादा बात करती है, ना ही ज़्यादा उससे मिलती है, बिल्कुल, या कह दें हम कि एक तरह का उसका नंबर ब्लॉक में डाल दिया। लेकिन वो कहते हैं ना कि ज़िंदगी में जो चीज़ें आपके पास लिखी होती हैं या किस्मत में होती हैं, वो घूम फिर कर कहीं ना कहीं से आपके सामने आ ही जाती हैं। रागिनी को ये बात अच्छी नहीं लग रही थी। कहीं ना कहीं रागिनी अंदर ही अंदर घुट रही थी और वो खुश थी लेकिन इतनी खुश नहीं लग रही थी। एक दिन उसने अपने पति यानी कि नूर को बोल ही दिया कि व्हाट द हेल इज़ दिस, तुम माँ के ऊपर इतना कंट्रोल क्यों कर रहे हो, क्यों नहीं दे रहे उन्हें उनकी ज़िंदगी जीने, आखिर क्यों हम किसी के जज्बातों का कत्ल कर दें, आखिर क्यों सब कुछ ऐसा हो जाए। हालांकि घर में अब सब कुछ नॉर्मल था। अभी नूर अपनी माँ से वैसे ही बात करता था जैसे पहले करता था, कभी कभी माँ की गोद में सर रख कर सोता था, उससे तेल लगाने को कहता था, सब कुछ नॉर्मल चल रहा था। और मीरा भी शायद अब उस रिश्ते से निकल चुकी थी। उसे लगता था कि शायद जो चीज़ नहीं हो सकती उसके बारे में ज़्यादा सोचना नहीं चाहिए, बट रागिनी थी जो बार बार कहती थी कि नहीं ऐसा होना चाहिए, लेकिन नूर अड़ा हुआ था। खैर, उनकी हनीमून का टाइम हो गया। कोविड ख़त्म होने के बाद दोनों हनीमून पे गए और उनकी माँ ने उनके लिए यूरोप का ट्रिप बुक कर दिया। दोनों घूमने निकल गए लेकिन जाते जाते वो एक माँ के लिए छोटा सा नोट छोड़ के गए। उन्होंने लिखा कि माँ, आपने हमारे लिए बहुत किया है और मुझे पता है आगे भी करते रहोगे, लव फ्रॉम नूर एंड रागिनी। और साथ ही एक टिकट रख दी कि माँ, आज शाम आप ये शो देखने ज़रूर जाना, आपको ऐसा म्यूज़िक पसंद है, यहाँ पर ये सिंगर आए हुए हैं। उसकी माँ बड़ी खुश हुई क्योंकि उसे घूमना फिरना ऐसी चीज़ें देखना अच्छा लगता था। मीरा जाकर बैठी ही थी और
शो शुरू हुआ, उसे बहुत मज़ा भी आ रहा था। उसने कहा कि चलो अब जिंदगी बिल्कुल सेट है, सब कुछ अच्छा चल रहा है। तभी उसके बगल में कबीर आकर बैठते हैं। वो कहते हैं कि डू यू लाइक दिस म्यूजिक। अंधेरा था, उसे लगा कि ये आवाज़ मैंने सुनी हुई है। अपने मोबाइल को उसकी तरफ देखते हुए बोलती है, कबीर तुम? तभी रागिनी का एक मैसेज आता है कि माँ शायद आज आपको भी आपका कंपेनियन मिल गया। कभी कभी हम जिंदगी में किसी को छोटे छोटे सरप्राइज़ देकर भी खुश कर सकते हैं। तो ज़िंदगी में छोटे छोटे सरप्राइजेस दीजिए और अपनों को अपनों के साथ पिरोए रखें। बस यही थी खूबसूरत सी कहानी। तो गाइस ये थी आज की दो खूबसूरत सी कहानियाँ। अगर आपके पास भी हैं कोई अच्छी सी स्टोरीज़ कहानियाँ तो आप मुझे सेंड करें मेरे इस नंबर पर। और हाँ, एक चीज़ का ध्यान रखें कि वो स्टोरी कोई भी हो सकती है, आपकी ज़िंदगी से जुड़े एक्सपीरियंस हो सकते हैं, आपकी दिल की बातें हो सकती हैं, मोटिवेशनल स्टोरीज़ हो सकती हैं, इमोशनल्स भी हो सकती हैं, लव स्टोरीज़ भी हो सकती हैं, या फिर आपकी ज़िंदगी से जुड़ी कोई सच्ची घटनाएँ भी, तो आप मुझे भेज सकते हैं। और अब मुझे तो दीजिए जी इजाज़त, अगले हफ्ते फिर आप लोगों से मुलाकात होगी। तब तक के लिए जी गुड बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे। हरियाणा म्यूजिक इंडस्ट्री की सभी लेटेस्ट अपडेट्स के लिए देखते रहिए हरियाणा में। हरियाणा कमिंग सून।